आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज का मैच जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए थे और वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे। अब जो है वो न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं किस तरह की बैटिंग करती है अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ। न्यूजीलैंड के जो कप्तान है केन विलियमसन वो इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह पे विल योंग जो है उनको ओपनिंग करवाई जाएगी और रैचिन रविंद्रा जो है वो वन डाउन पे बैटिंग करने आएंगे। देखते हैं अफगानिस्तान जो जिसने इंग्लैंड के खिलाफ अपसेट किया था, इंग्लैंड जो दिफाई चैंपियन थी उसको 69 रनों से पिछले मैच में अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स और बैट्समैन जो है वो किस तरह का खेल पेश करते हैं। अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी जो है वो पिछले मैच में उनको उनकी जो कारकर्दगी थी वो अच्छी थी। इस मैच में देखते हैं वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाती है। उनके स्पिनर्स जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ। देखते हैं यहाँ पे क्या करती है अफगानिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैच खेले हैं और तीनों जो हैं वो जीते हैं न्यूजीलैंड ने, और अगर वो चौथा मैच भी जीत जाती है तो उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने 9 मैचों में से 4 पहले जीत लेती है तो अगले नेक्स्ट 2 से 3 मैच भी जीत के वो कंफर्म हो सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। अफगानिस्तान की टीम उस उन्होंने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी थी तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड की टीम से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे भी इस मैच में भी अपसेट कर सकती है। जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान की टीम ने पिछले मैच में की थी उस तरह की बॉलिंग और बैटिंग करती है तो यहाँ पे भी एक और अपसेट हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक जो है वो 3 मैच खेले हैं और तीनों जीते हैं। अफगानिस्तान की टीम ने 3 मैच खेले हैं और एक जीता है।